हेलो दोस्तों, कंप्यूटर ट्यूटोरियल वीडियोस आप तो यूट्यूब पे देखते ही हैं, लेकिन कई बार आपको ये वेबसाइट्स में अट्रैक्टिव फॉर्म में दिख जाते हैं जहां पे आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होती है। आप कई बार देखे होंगे कि आपके सामने स्क्रीन ऐसे शेयर हो रही होती है और आपके सामने हाईलाइटेड वो टर्म्स समझाए जाते हैं। तो गाइज, क्या समझाने वाला, अपलोड करने वाला क्या बार बार स्क्रीन शॉट लेके उसे एडिट करता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। आप भी ऐसे, अगर तो आपकी कोई ब्लॉग है, वेबसाइट है, तो आप कंप्यूटर ट्यूटोरियल आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। लाइक गाइज, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको किस तरह से आप, जैसे अभी स्मॉल आइकन है तो कैसे आप लार्ज देन मीडियम करेंगे और वो सारा का सारा आप स्टेप्स रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे एक ऐप रहता है स्टेप रिकॉर्डर, जो कि आपको मिल जाता है विंडोज 10 में विंडोज एसेसरीज ऑप्शन पे। तो गाइज, यहाँ पे स्टेप रिकॉर्डर है, आपको इसे क्या करना है, डुअल क्लिक कर लेना है, आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगा, स्टार्ट रिकॉर्ड पे कर देना है। अब आप जो भी यहाँ पे जो भी एक्टिविटी करेंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड होता जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, व्यू पे गया, लार्ज आइकन पे गया, तो ये देखिए लार्ज आइकन हो गया, ये अपना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। अब जैसे मैं इसे मीडियम करूंगा तो ये देखिए मीडियम हो जाएगा। अब मैं स्टॉप रिकॉर्ड पे जाऊंगा और ये अपने सामने ये फाइल देखिए तैयार है, और जो जो स्टेप्स मैंने यूज किए हैं वो सारे सारे हाईलाइट यहां पे हो गए हैं। अब जैसे गाइज आप इसे सेव करेंगे तो ये आपका जिप में सेव होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे ए नाम देता हूं इसका, डेस्कटॉप पे ही। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो अच्छी बात ये रहेगी कि जिप फाइल यहां पे जो अंदर फाइल है वो HTML में है, मतलब आप इसे वेब पे आसानी से आप इसे अपलोड कर सकते हैं। होप है गाइस, इस तरह से आप कोई भी ट्यूटोरियल वेब पे अपलोड कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग।